हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी बड़ी मंडियों में सोयाबीन के भाव 16 जुलाई 2020 को क्या देखने को मिली है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी भी जानकारी है, 15 जुलाई शाम के जितने भी अपडेट आए हैं, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आज की इस जानकारी में हम बताएंगे पूरी डिटेल में सोयाबीन के भाव क्या तेजी रही है, क्या नरमी रही है, क्या आवक रही है, तो पूरी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैनल भी देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर बात करेंगे आस्था मंडी में, तो दोस्तों यहाँ पर 2000 से लेकर 3700 का भाव देखने को मिली है सोयाबीन में। आवक दोस्तों 538 क्विंटल देखने को रहे हैं। बदनावर मंडी की बात करूं तो दोस्तों 2600 से लेकर 3695 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 423 क्विंटल देखने को रही है। बड़नगर मंडी की बात करूं तो 3364 से लेकर दोस्तों 3669 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 535 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों रतलाम मंडी में, जो कि दोस्तों 2900 से लेकर दोस्तों 3665 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 383 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे शाजापुर मंडी में, जो कि दोस्तों 3305 रुपये से लेकर दोस्तों 3601 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 91 क्विंटल देखने को रही है। मंदसौर मंडी की बात करूँ 2700 से लेकर दोस्तों 3640 का भाव देखने को मिली है सोयाबीन में। आवक दोस्तों यहाँ पे 350 क्विंटल देखने को रही है। मकसूदनगंज मंडी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 2555 से लेकर दोस्तों 3605 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 3.8 क्विंटल देखने को रही है। गौतमपुरा मंडी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे 3521 से लेकर दोस्तों 3575 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 3.7 क्विंटल देखने को रही है। सिरंज मंडी की बात करो 2800 से लेकर दोस्तों 3670 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 1276 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में सुसनेर मंडी में, जो कि दोस्तों 2900 से लेकर 3630 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 54 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में बात करेंगे खांचरौंद मंडी, जो कि यहाँ पे 3320 से लेकर दोस्तों 3660 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 820 क्विंटल देखने को रहे हैं। बात करेंगे कनौंद मंडी में, जो कि 3430 से लेकर दोस्तों 3780 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करो तो आवक यहाँ पे 320 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे कुंभराज मंडी में, जो कि 3220 से लेकर दोस्तों 3680 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 650 क्विंटल देखने को रही है। गैरतगंज मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 3320 से लेकर दोस्तों 3360 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों यहाँ पे 230 क्विंटल देखने को रही है। रातगंज मंडी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 3270 से लेकर दोस्तों 3380 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ तो आवक यहाँ पे दोस्तों 25 क्विंटल देखने को रही है। शेरपुर बड़ौद मंडी की बात करूँ 3320 से लेकर दोस्तों 3560 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 5 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों शेरपुर कला मंडी में, जो कि दोस्तों 3340 से लेकर दोस्तों 3600 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 0.4 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में हम यहाँ पे बीनागंज मंडी में, जो कि 3400 से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे उबैदुल्लागंज मंडी में, जो कि दोस्तों 2200 से लेकर दोस्तों 3590 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करूँ तो दोस्तों आवक यहाँ पे 50 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे देवास मंडी में, जो कि 3200 से लेकर दोस्तों 3560 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 50 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों ताल मंडी में, जो कि यहाँ पे 3420 से लेकर दोस्तों 3675 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 212 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे नेक्स्ट में माहितपुर मंडी में, जो कि दोस्तों 2800 से लेकर 3590 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 1850 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे आगर मंडी में, जो कि दोस्तों 2850 से लेकर दोस्तों 3650 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 1200 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों बैतूल मंडी में, जो कि दोस्तों 3450 से लेकर दोस्तों 3680 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 720 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों लटेरी मंडी में, जो कि 2600 से लेकर दोस्तों 3560 का भाव देखने को मिली है। आवक की बात करता हूँ क्या पे दोस्तों 60 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों छिंदवाड़ा मंडी में, जो कि दोस्तों 3301 रुपये से लेकर दोस्तों 3656 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 7.4 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे छापीहेड़ा मंडी में, जो कि 3105 से लेकर दोस्तों 3601 रुपये भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 0.4 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे बिजावर मंडी में, जो कि 2900 से लेकर दोस्तों 3000 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों यहाँ पे 55 क्विंटल देखने को रही है। बात करेंगे दोस्तों बरड़ मंडी में, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3200 से लेकर 3496 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों
1.1 क्विंटल देखने को रही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों बिकनगा मंडी में, जो कि 3485 से लेकर दोस्तों 3498 का भाव देखने को मिली है। अब दोस्तों 1.9 क्विंटल देखने को रही है। तो दोस्तों ये थी आज के मध्य प्रदेश मंडियों में सोयाबीन के भाव। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों मैं शुरू में एक बोला चैनल है दोस्तों मेरे जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो वहाँ पे बना कर देता रहता हूँ। तो दोस्तों उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मेरा सेकंड चैनल है। तो उस चैनल को भी दोस्तों जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।